नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के लिए किए गए कार्यों को गिनाया, तो वहीं भूपेश बघेल ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सत्य के रास्ते में चले भर पूरा पद यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के, और ये सत्य के रास्ता ही कांग्रेस के रास्ता है। और कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री से लेके मनमोहन सिंह तक जतेक भी हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी, सब के उद्देश्य ये रही से कि हिंदुस्तान के जनता कैसे ताकतवर बना, कैसे गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लान, कैसे हमारे युवा साथी मन पर रोजगार के व्यवस्था करन, कैसे महिला मन आत्म सम्मान के साथ अपन जीवन व्यतीत कर सके, ये कर भर लगातार चाहे संविधान के लोकसभा में हो, सरकार के माध्यम से हो, चाहे संवैधानिक व्यवस्था करके हो, लगातार अधिकार देख काम करी। और वही रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज न्याय के बात कर रहे थे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, और साथ अभी प्रधानमंत्री जी रायगढ़ आ रही से, एकर पहले रायपुर आ रही से, कल वह जगदलपुर में रही से, और जगदलपुर में वो भाषण दीस जेकर बारे में भी दीपक बैज जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी अपन भाषण में केस के केंद्र सरकार धान खरीद थे, अब एकर ले बड़े लबारी अब कहा हो सकते, लबारी मारिस कि नहीं मारिस। यदि वो धान खरीद थे तो मैं ओकर से सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 में आप प्रधानमंत्री बने, रमन सिंह मुख्यमंत्री री से डबल इंजन के सरकार री से, तो बोनस ल दे पर बंद काबर करायस, उसी समय बोनस बंद हो रही कि नहीं हो रही से वही ना, और उसी समय जेमे 10 क्विंटल खरीदे के आदेश कर रही से प्रति एकड़, हो रही कि नहीं हो रही से, और ओकरे शासन काल है 2017 में जिन सबसे कम धान खरीदे हुए 56 लाख मिट्टी टन जाई, धान के रकबा बढ़ गए, किसान के संख्या बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गए, अब श्रेय लूटे बरे मन आ गए, चाउर के 86 लाख के हमल देरी से मिट्टी टन के 61 लाख कर दिस, ऐसा डबल इंजन की सरकार, फेरो कितने लघुन उपज हमन खरीदन, लघुन उपज ले ते खरीदस, तो गुजरात में 5 साल में 11 करोड़ 81 लाख रुपया भर के लघु उपज खरीदे हैं, डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, वहां 5 साल में कतका लघु उपज खरीदे है 15 करोड़, और छत्तीसगढ़ में कतका हो है 388 करोड़, देश के 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा खरीदी होते, तेंदु पत्ता मोदी जी झूठ बोल के चल दी कि गोबर खरीदी में घोटाला होते, भाजपा के संगवारी मन के 1300 करोड़ रुपए घोटाला हो, और गोबर कतका खरीदे हैं अभी 3 साल में 271 करोड़, तो 271 करोड़ के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ के घोटाला कैसे हो जाए, तो एक तरफ गुजरात मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के मोदी के, दूसर तरफ छत्तीसगढ़ मॉडल है राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के, और ये मॉडल में जेन लग कहे जाते वो होते, जेन का केतन तेने होते, यदि किसान के ऋण माफी हो केतन तो हो ही, यदि गरीब ल 7,000 रुपया सालाना देना है केन्द्र हो गए
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलना है, खुल गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं खड़गे ने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। जो सम्मेलन, भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे सभी नेताओं ने इसमें भाग ली, तो ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में या किसी भाग में नहीं हुआ। ये पहली बार है कि हर जगह ये भरोसे का सम्मान यहां छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मेरा नगरनार स्टील प्लांट का जो प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, अभी उसका जिक्र भूपेश बघेल जी ने किया। अगर नगर नार स्टील कारखाने जो 2009 में अप्रूव हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि ये सब प्राइवेट को देना चाहते हैं मोदी जी, क्योंकि जब प्राइवेट को देंगे तभी उनको कुछ मिलेगा। अगर सरकार करेगी तो गरीबों को मिलेगा। इसीलिए ये जो है स्टील प्लांट, इसको मजबूती के साथ आप लड़ना होगा और इसको बना के आप बताना होगा, क्योंकि इसका फायदा के नाम पे बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस हमेशा लोगों की मदद करती है, लोगों को मजबूत बनाने के लिए गोबरी लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को देना, दूसरे चीज भी छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको भी ये सरकार मदद कर रही है। लेकिन मोदी साहब को ये सहन नहीं हो रहा, वो हमेशा कांग्रेस को सरकार कैसा गिराए और कांग्रेस को कुछ ना कुछ बोल के दबा लगाने का काम उनका है। और इस छत्तीसगढ़ ने, अरे 15 साल आपने रूल किया, 15 साल में बीजेपी क्या करके दिखाई। जैसा कि धान खरीदने का उन्होंने कहा, जो लिमिट थी उससे भी ज्यादा खरीदने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने की, भूपेश बघेल ने किया। हर चीज केंद्र सरकार जो कहती है उससे भी आगे जाकर छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। भाई रायगढ़ में भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान आज सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। पूरे देश में किसानों के हित के लिए जैसी नीतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनाई है, वैसी अब तक किसी राज्य ने नहीं अपनाई, ना ही हिम्मत कर पाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक बात आप छत्तीसगढ़ में सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं, धान की खरीदी, धान की खरीदी, धान की खरीदी। जिस धान की खरीदी में केंद्र सरकार का आधे नए पैसे का भी योगदान नहीं है, उसे वो बताना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं।
आधा नया पैसा नहीं। ऐसी बातों को, मिथ्या बातों को हम अध्यक्ष जी बैठे हैं, हालांकि सदन तो नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, असत्य कथन। और सामान्य भाषा में असत्य कथन को क्या कहते हैं, लबरा गोठो कथें, झूठा बोली भी कथें, यही सब लहामन कथन। और वो लबरा तो दूसर जन रहे, ये हर झूठ बोले वाला हमार कैसे देश का प्रधानमंत्री, हमार देश का मान सम्मान ला कैसे नीचे करे बर काम करे थे भाई। अगर वो कहीं करे थे तो कहे, हमार ला कोई तकलीफ नहीं है, जे काम करते तेला कहे, हम वन नहीं कहब कि नहीं करते, लेकिन जे काम ला नहीं करे थे तेला कहे बर अगर कही तो कौन ओकर बात हर मानी भाई। पांच राज्य हर आज चुनाव में जाते, पांच राज्य में एक को राज में बतावा जहां ये प्रधानमंत्री जाए के कहत हो ही कि केंद्र सरकार हर धान कर खरीदी करत है। पांच राज में चुनाव होए वाला है, एक को जगह नहीं। काबर काबर की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर अगुवाई में किसान मन पर जो नीति कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में अपनाए है, वो पूरा हिंदुस्तान में कोनो राज सरकार ना अपनाए है, ना अपनाए कर हिम्मत करत है। ये बात ला आप मन भली भांति याद रखबो। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में 397 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाडली बहन योजना अंतर्गत 1.31 करोड़ लाडली बहनों के खातों में करोड़ों मासिक सहायता राशि का आधार एनेबल्ड पेमेंट प्रणाली के माध्यम से वितरित कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस दुनिया से जाने के पहले इतना कर जाऊंगा कि फिर मां बहनों के खिलाफ कहीं अन्याय अत्याचार की हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था बना। तो आओ मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी उठा लो बहनों के साथ, और भारत माता की जय बोल के अपने भाई के साथ चलने का संकल्प लो, ताकि महिला सशक्तिकरण का नया युग मैं लेके आ जाऊं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं भी सौगंध खा के कहता हूं, आज बहनों के चरण मैंने धोए हैं। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार, सुबह से पूछताछ कर रही थी ईडी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों के रडार पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार, सुबह से उनसे पूछताछ चल रही थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों की रडार पर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आप नेता संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं, सुबह से उनके साथ पूछताछ की जा रही थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके तमाम नेता एजेंसियों की रडार पर हैं। पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था, वहीं अब एक और गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें, सुबह से ही संजय सिंह के घर पर छापेमारी की जा रही थी ईडी के द्वारा, और अब जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से संजय सिंह के घर पर छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा, अब उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो हो चुकी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन की बात करें तो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में शराब नीति के अंदर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगता नजर आ रहा है जी। जी राजीव, और कौन कौन से नेताओं पर कार्रवाई हुई है? देखिए अभी तक बात करें यहाँ पे जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की, तो उनकी तरफ से लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, या फिर आप संजय सिंह की बात करें, जिस तरीके से शराब नीति के तहत कहीं ना कहीं बड़े नाम जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई और ईडी के जो शिकंजा है वो खास तौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर ही कसता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को मिसयूज कर रही है और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद राजीव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की ओर रुख करते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा में खेल युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर विधानसभा से 150 ग्राम पंचायतों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो खेल शामिल रहे। इस कार्यक्रम की सभा को बांधने के लिए इंडियन आइडल के प्रथम विजेता रहे अभिजीत सावंत सहित जाने माने नागपुरी गायक और छत्तीसगढ़ी गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। सीतापुर विधानसभा के खाद्य मंत्री अमरजीत भगवत एवं AICC के सोशल मीडिया विभाग राष्ट्रीय संयोजक आदित्य भगवत ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसका मुख्य उद्देश्य रहा कि सीतापुर विधानसभा के 150 ग्राम पंचायत के युवक युवतियां इस चार विधाओं की खेल में शामिल होकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ सभी ग्राम पंचायतों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके। खेल महोत्सव का भी आज समापन, चार विधा में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो संपन्न हुई और उसके आज पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आयोजन है और विभिन्न कलाकार अपने अपने प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आदिवासी अंचल में जहाँ पर खेल और संस्कृति दोनों का बहुत महत्व है, सीतापुर अंचल में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, वहीं पर कर्मा भी बहुत लोकप्रिय हम लोगों का संगीत है, नृत्य है, जिसको सभी देखिए। सीतापुर खेल महोत्सव 2023 का जो शुभारंभ किया गया था, उसका उद्देश्य था कि जो हमारी पंचायतें हैं वहाँ पे बहुत सारी टीमें होती हैं जिनको ऐसा मंच नहीं मिल पाता, तो उनको मंच प्रदान करने के लिए ये आयोजन किया गया था और इसमें लगभग 150 पंचायतों ने भाग लिया था, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, और जिसका आज फाइनल मैच होना था। और क्रिकेट को छोड़ करके हमारे सारे जो मैच हैं उसका सबका फाइनल हो गया, जिसमें हमारे पास जो फुटबॉल है, फुटबॉल में झरगावा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया और खो खो में किसला, और खो खो जो खास कर सिर्फ महिलाओं के लिए था, और जो कबड्डी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें ANB News के साथ। नमस्कार।